हेलो हेलो, कैसी आवाज आ रही है? चेक कर लो फटाफट एंड क्विकली स्टार्ट करते हैं। यस, एम आई ऑडिबल? ओके गाइस, सो अभी तक हमने कल के लेक्चर में क्या देखा था? वी हैव कवर्ड इक्वेशंस। इक्वेशंस में हमने क्या देखा था? अगर मैं इक्वेशंस की बात करूं तो इक्वेशंस में हमने लीनियर इक्वेशंस देखे थे, सॉरी, यस। देन हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस देखे थे, यस। वी हैव सीन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यस। ये तीन को कैसे सॉल्व करना ये तो हमने देखा ही है। इसके अलावा इन तीनों में हमने सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी देखे हुए हैं, जहां पे हमें इक्वेशन बनाना है। हमें एक सिचुएशन दी गई है, उससे हमें इक्वेशन बनाना है और उसको हमने सॉल्व किया है, जिसका हमने शॉर्टकट रास्ता अपनाया था, गो बाय ऑप्शन, यस। अब इस चैप्टर में एक चीज और बाकी है, एंड दैट इज क्यूबिक इक्वेशंस। सर, क्यूबिक इक्वेशंस यानी क्या? क्यूबिक इक्वेशंस बेटा वो होते हैं जिसका जिसमें एक वेरिएबल जो होता है, एक वेरिएबल का पर्टिकुलर, एक टर्म का पावर होता है रेस टू थ्री, समझ रहे? एक टर्म का पावर होता है थ्री, उसको हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशंस। अब अगर मैं क्यूबिक इक्वेशंस की बात करता हूं, इस क्यूबिक इक्वेशंस को हम अभी नहीं देखने वाले हैं। ये क्यूबिक इक्वेशंस नंबर वन और नंबर टू, इसके ऊपर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो ऐसे दो चीजें जो है ये बाकी है। हालांकि आपको ये चीज तो पता है कि इनको भी आप गो बाय ऑप्शन से आप सॉल्व कर सकते हो, नो डाउट। बट इसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस है। क्या होता है वो प्रोसेस जिससे हम क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ये समझना क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप इंटरमीडिएट पे जाओगे और जब आप कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ोगे, वहां पे इस क्यूबिक इक्वेशन का बहुत ज्यादा यूज होता है। इसलिए वो प्रोसेस समझना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप वहां पे आंसर सॉल्व कर पाओ। एंड दैट इज व्हाई आई विल कवर दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन अदर वे ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम गो बाय ऑप्शन। तो इस एक्सरसाइज को हम पेंडिंग रखेंगे एज ऑफ नाउ, इसको हम अभी नहीं करने वाले, ठीक है? चलो, तो सर आज का एजेंडा क्या है? आज का एजेंडा है बेटा मेट्राइसिस, ठीक है? टाइटल देना बुक पे, एक न्यू चैप्टर, मेट्राइसिस। लाइव वालों, आवाज आ रही है ठीक से? यस और नो, फटाफट बताओ। आवाज आ गई है ठीक से? यस, अनुराग, करेक्ट। 53 to 7, नहीं, 53 to 75 क्वेश्चंस बाकी नहीं है, वो मैंने आपको होमवर्क दिए हुए थे। ओ ध्यान दो, यहाँ पे मेरे नोट्स के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 53 to 75 ये बाकी नहीं है, इसको मैंने होमवर्क दिया हुआ है। सेम रिपीटेटिव क्वेश्चन है वो, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही क्वेश्चन है वो, कुछ नया नहीं है उसमें, वो रिपीटेटिव क्वेश्चन है, मैंने आपको उसको होमवर्क में दिया हुआ है। कहाँ ध्यान होता है क्लास में अनुराग आपका, ठीक है? डन, चलो टाइटल देना मेट्राइसिस, बुक को साइड में रख दो बंद करके। जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ सामने ध्यान देना है, समझना है चीज को, लिखने का टाइम मैं पूरी तरीके से देने वाला हूँ आपको, ठीक है? चलो वनीषा, जो भी डाउट है क्वेश्चन 53 to 75 में, या वर्चुअल वालों, कोई भी डाउट है अगर आपको उन पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो मैंने आपको होमवर्क दिए है इस चैप्टर में, या आगे आने वाले चैप्टर्स में अगर मैं देने वाला हूँ, आप वो डाउट्स मुझे पूछ सकते हो बिंदास, यस। जो भी स्पेसिफिक डाउट होता है ना आपका, वो ग्रुप पे मत डाला करो। जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं, अगर आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे एडेड हो, आप प्लीज आपके डाउट्स पर्सनली मुझे भेज दिया करो, एप्लीकेशन पे या मेरे व्हाट्सएप पे। उसकी रीजन यह है कि जब डाउट ग्रुप पे आता है तो वो स्किप हो जाता है कहीं ना कहीं 101%। तो जो स्पेसिफिक डाउट होता है उसको आप प्लीज मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर दिया करो। हाँ, अगर मुझे 10 लोग सेम डाउट करते हैं तो मैं उसका सोल्यूशन आपको चाहिए तो ग्रुप पे कॉमनली शेयर कर दूंगा, सो दैट आप देख पाओगे, ठीक है? कुछ इस तरीके से चीजें होती है। डाउट सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा मैंने चेंज किया हुआ है, और वो तरीका ऐसा है कि रादर देन गिविंग यू अ फोटो ऑफ द आंसर कैसा होना चाहिए, या गिविंग यू अ एक्सप्लेनेशन थ्रू वॉइस नोट्स, इसके जगह पे मैं क्या करने वाला हूँ, आपको प्रॉपर वीडियो ही रिकॉर्ड करके देने वाला हूँ। सो अगर कोई क्वेश्चन है जो 2 मिनट में एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसकी वीडियो बना दूंगा और आपको मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करके दे दूंगा, ठीक है? चलो, ओके, यस। जो लाइव बैच में देख रहे हैं इस चीज को, आपको मैट्रिसेस के नोट्स नहीं मिले होंगे शायद से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर क्वेश्चन, हर कंसेप्ट, एवरीथिंग यहाँ पे दिखाया जाएगा, और मैं इस चैप्टर को मॉड्यूल से ही पढ़ा रहा हूँ इसीलिए, ठीक है? जिन लोगों को मेरे नोट्स मिल चुके हैं, आप मेरे नोट्स से देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे मॉड्यूल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और ये मॉड्यूल से ही इंस्पायर होकर मेरे नोट्स बने हुए हैं, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, राइट? चलो, ध्यान दो सामने। और कोई डाउट इस चीज से रिलेटेड? यस, आई थिंक ऑल द डाउट्स आर क्लियर, यस। चलो, जो लाइव बैच वाले हैं,
जो लाइव बैच वाले हैं, यानी कि अभी जो इस बैच को लाइव देख रहे हैं, आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन प्लान कर रहा हूं मैं कि हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू क्लियर योर सीए एग्जाम्स, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है। द ओनली रीजन इज मुझे आप में से काफी स्टूडेंट्स ने इंडिविजुअली प्लानिंग पूछी हुई है कि सर ये मंथ आ गया है, अब हम बहुत डर रहे हैं सर, हमें आप गाइड करो कैसे करना है, क्या करना है। आई डोंट नो आप कितना मेरी गाइडेंस को फॉलो करोगे, बट यस मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है एक बार आपके साथ इन चीजों पे डिस्कस किया जाए। सो लेट अस प्लान टू हैव अ जूम सेशन वेर इन यू कैन ऑल्सो टॉक टू मी एंड वी कैन इंटरेक्ट, डिस्कस एंड अंडरस्टैंड दोज टॉपिक्स, राइट। आपके अगर कोई क्वेरीज हो गए तो आप मुझे भेज सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली इसको मैं इस आने वाले संडे यानी कि कल ये सेशन को मैं प्लान कर रहा हूँ, या फिर परसों अपने क्लास के बाद ले लेंगे, ठीक है। चलो चीजें क्लियर है यहाँ तक, आ जाओ सब चीज को साइड में रख दो, सिर्फ स्क्रीन पर ध्यान होना चाहिए आपका। सपोज देयर आर थ्री पीपल, राम, सीता एंड लक्ष्मण। सपोज देयर आर थ्री पीपल, राम, सीता एंड लक्ष्मण, एंड दीज थ्री पीपल हैव सम बुक्स, सम हैव सम पेंसिल्स एंड हैव पेन्स। फॉर एग्जाम्पल राम हैज 5 बुक्स, सीता हैज 10 बुक्स, लक्ष्मण हैज 15 बुक्स, राम हैज 3 पेंसिल्स, सीता हैज 8 पेंसिल्स एंड लक्ष्मण हैज 10 पेंसिल्स। सपोज राम हैज 2 पेंस एंड सीता हैज 5 पेंस एंड लक्ष्मण हैज 2 पेंस। सर ठीक है, ये तो क्या आपने नया क्या आपने इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे डाल दिया, यस अंडरस्टूड, बट इसी इन्फॉर्मेशन को इसी के ऊपर एनालाइज करने के लिए मैं इसको कन्वर्ट करने वाला हूँ मेट्राइसिस के फॉर्म में। सर यानी कि क्या, अब अगर मैं मैट्रिक्स की बात करता हूँ, ध्यान देना सामने, ये जो फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम है और थर्ड कॉलम है, इन्हीं कॉलम्स को लेते हुए मैं देखो यहाँ पे क्या बनाने वाला हूँ, 5, 10, 15, 3, 8, 10, 2, 5, 2, और मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया, इसको मैंने नाम दे दिया ए इज इक्वल टू। नाउ दिस इज नथिंग बट दिस इज मैट्रिक्स ए। ये जो अरेंजमेंट मैंने बनाया है, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स, समझ रहे हो। और ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ऐसे ही 10 अगर मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम बोलेंगे मैट्राइसिस, एंड देयरफॉर द नेम ऑफ द चैप्टर मैट्राइसिस, समझ रहे हो बात को। हाँ या ना, जिसमें से ये हो गया आपका फर्स्ट रो। सर रो जो हॉरिजॉन्टल होता है इसको हम रो बोलते हैं, जो वर्टिकल होता है उसको हम कॉलम बोलते हैं। ये फर्स्ट रो है, यहाँ पे आपका ये सेकेंड रो है और यहाँ पे आपका ये थर्ड रो है, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, दिस इज योर सेकेंड कॉलम, एंड दिस इज योर थर्ड कॉलम, समझ रहे हो बात को। और ये जो पूरा अरेंजमेंट हमने यहां बनाया है, इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। सर तो ये अरेंजमेंट के अंदर जो आपने नंबर्स लिखे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं। हमने रोज कॉलम्स तो समझ लिया, बट इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं। अब ध्यान देना, ये जो आपके नंबर है ना, 5, 3, 2, 10, 8, 5, 15, 10, 2, इन सभी को हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, इन सभी को हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। बेटा ध्यान देना, ये चैप्टर सिर्फ इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर नंबर वन इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आने वाले मैट्रिसेस। नंबर टू, ये चैप्टर सेट्स, रिलेशंस और फंक्शंस उसको भी कहीं ना कहीं लिंक करता है। नंबर थ्री, जब आप इंटरमीडिएट और फाइनल में जाओगे, वहां पे काफी चैप्टर्स है जहां पे मैट्रिक्स का वे हमको यूज करना है, मैट्रिक्स का मेथड हमको यूज करना है हमारे आंसर्स निकालने के लिए, सॉल्यूशंस निकालने के लिए, ठीक है। सो इसी चीज को हम बोलते हैं इन एलिमेंट्स, दीज आर नथिंग बट एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो इन शॉर्ट, व्हाट डू यू मीन बाय अ मैट्रिक्स। अगर मैं मैट्रिक्स बात करूं कि इट इज जस्ट एन अरेंजमेंट, इट इज जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स है उन्हीं का अरेंजमेंट है, उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। दैट्स इट, एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है। चलो फटाफट आप लिख सकते हो उस चीज को जो भी मैंने दिखाया हुआ है, कोई भी डाउट्स है आप फटाफट मुझे डाउट्स पूछ सकते हो, गो फॉर इट फास्ट। पूरा प्रॉपर तरीके से लिखना है, देयर इज अ रीजन जो भी मैं आपको लिखवाता हूँ उसको क्यों लिखवाता हूँ, और ये आपको पता है, आप इसको रियलाइज करते ही हो बाद में, ठीक है। फटाफट लिख लो,
राकेश आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो क्लास में? आई एम सरप्राइज आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो क्लास में। अगर मैं मैट्रिक्स की बात करता हूँ तो ये सिंगुलर होता है, मैट्राइसिस की बात कर रहा हूँ तो ये प्लूरल हो रहा है। मैंने इसको दो बार ऑलरेडी रिपीट किया, तीसरी बार अभी आपके लिए खास रिपीट किया मैंने। सर क्या इस चैप्टर में से थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं? यस, इस चैप्टर में से प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम इन द एग्जाम। नंबर टू, सर ये कितना वेटेज का होगा? बेटा लगभग लगभग 3 से लेकर 4 मार्क का, हालांकि 5 मार्क तक के क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हैं एट टाइम्स। सो 3, 4 to 5 मार्क्स मैक्सिमम। जिनका हो गया टाइटल देना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। डन, चीज क्लियर है यहां तक? एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट का, सर क्या यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये सिर्फ रियल नंबर्स ही होंगे या ये इमेजिनरी नंबर्स भी हो सकते हैं? बेटा एज फार एज द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इज कंसर्न, यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है, बट यस प्रैक्टिकली टॉकिंग 99.99% केसेस में जहां पे भी आप मैट्रिसेस या मैट्रिक्स बनाते हो, यहाँ पे आपके जो एलिमेंट्स होते हैं ये रियल नंबर्स ही होते हैं, बिकॉज उसी के ऊपर आप एनालाइज कर पाओगे इस चीज को। ठीक है, चलो टाइटल देना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बस टाइटल देके आप चीज को छोड़ दो, सामने ध्यान दो सिर्फ। ठीक है, नाउ सपोज व्हेन आई टॉक अबाउट ए एज अ मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अगर मैं इस चीज को ऐसा लिखता हूँ, राइट। अब ध्यान दो, सपोजिंगली ये जो फर्स्ट रो है इसको मैं M1 बोलता हूँ, इसको मैं M2 बोलता हूँ, इसको मैं M3 बोलता हूँ, अज्यूम करते हैं। यहां मैं इसको N1 बोलता हूँ, यहाँ पे इसको N2 बोलता हूँ, यहाँ पे इसको N3 बोलता हूँ। Yes? Now, when I talk about order of a matrix, see, जब हम order of the equation हम बात करते हैं, तो हम term को देखते हैं उसमें कि एक term जो है जो highest power वाली है, उसका highest power कितना है? For example, जब मैं linear equations की बात करता हूँ, तो उसमें कोई भी term है, अगर इस term को आप ले लो, इसका power 1 के ऊपर नहीं होने वाला है। अगर मैं quadratic की बात कर लूँ, तो कोई एक term है जिसका highest power जो होगा वो होगा 2। अगर मैं cubic की बात करूँ, तो उसके इसमें 3 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है, यू कैन से इस मैट्रिक्स में कितने रोज है, कितने कॉलम्स है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। एंड देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट लाया गया है आपके लिए। नाउ अगर मैं बात करता हूँ रोज एंड कॉलम्स की, मैंने रोज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया है, मैंने रोज को रिप्रेजेंट करने के लिए एम यूज किया है और कॉलम्स के लिए एन यूज किया है। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर आपका होता है, कोई भी मैट्रिक्स में देर आर एम रोज एंड देर आर एन कॉलम्स, समझ रहे हो, देर आर एम रोज एंड देर आर एन कॉलम्स। कोई भी टाइप का मैट्रिक्स लो, कोई भी चीज आप ले लो, यस। एंड इसी से हम इंस्पायर होकर बनाते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर मैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करता हूँ, ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स ए की अगर मैं बात करता हूँ, दिस इज नथिंग बट से 3 into 3। सर वाई 3 into 3? ये जब मैं मैट्रिक्स ए की बात करता हूँ ना, इसका ऑर्डर एम एन ऐसा होता है। यानी कि क्या, एम नंबर ऑफ is nothing but m is number of rows and n is number of columns, is tarike se. So 3 into 3, ya main isko bol sakta hu 3 by 3, therefore it is nothing but m by n, aise apan isko bolte hain. So ye 3 into 3 nahi, ye 3 by 3 hai, yani ki 3 rows hai aur 3 columns hai, samajh rahe ho baat ko. Ab sir isme agar hame koi ek element ke bare mein baat karni hai, agar hame koi element ke bare mein baat karni hai, say for example mujhe 6 ke bare mein baat karni hai, तो इस 6 को मैं कैसा लिखने वाला हूँ, इस पर्टिकुलर 6 एलिमेंट को मैं कैसा लिखने वाला हूँ? सी मुझे बताओ ये कौन से रो में है, ये सेकंड रो में है, कौन से कॉलम में, ये थर्ड कॉलम में है, कैन आई से इट इज ए 2 3,
वाई ए नेम ऑफ द मैट्रिक्स, यस वाई टू एंड थ्री बिकॉज पहले हम लिखते हैं रो का नंबर यानी कि सेकेंड रो, ए एम एन ऐसा लिखेंगे हम, तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम. तो दिस मीन्स नथिंग बट दिस इज सेकेंड रो का एलिमेंट एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट, राइट, विच इज नथिंग बट नंबर सिक्स. समझ रहे हो? वैसे ही यहाँ पे ए क्या आएगा, थ्री थ्री, यहाँ पे ए क्या आएगा, वन थ्री, यहाँ पे ए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टू टू, इस तरीके से कुछ आ जाएगा आपका, राइट. यहां तक चीज जो आपने समझी है वो क्लियर है? यस, आई थिंक आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को लिख लेना चाहिए, गो फॉर इट फास्ट. कोई भी डाउट है फटाफट पूछ लो. See, एक स्टूडेंट का डाउट है कि ये जो हम यहाँ पे लिखते हैं ना ए टू थ्री, जैसे ऊपर हमने ए टू थ्री लिख दिया है, क्या यहाँ पे टू थ्री को मैं पावर में लिख सकता हूँ? सी बेटा, एज फार एज योर सब्जेक्ट इज कंसर्न राइट नाउ इट इज ऑब्जेक्टिव, आप कुछ भी लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता. बट यस, एज पर द थ्योरी ऑफ मेट्राइसिस, यहाँ पे ए के नीचे सबस्क्रिप्ट पे ही हम टू थ्री लिखते हैं, यानी कि रो नंबर कॉलम नंबर. जिनका ये क्वेश्चन हो गया है, जिनका ये कंसेप्ट हो गया है लिख के, आप टाइटल दे सकते हो टाइप्स ऑफ मेट्राइसिस. आदित्य, जो मैंने बोला ना कल अपन एक सेशन रखेंगे, उसमें इन सब चीजों पर अपन बात करेंगे. तुम तुम्हारे क्वेरीज जॉट डाउन करके रखो या मुझे भेज के रखो. Done. चीजें क्लियर है? हाँ या ना? यस, चलो टाइटल देना टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. बस टाइटल देके छोड़ दो, ध्यान दो सामने. नंबर वन रो मैट्रिक्स, या फिर इसी चीज को हम बोलते हैं रो वेक्टर. इसी चीज को हम बोलते हैं रो वेक्टर. इसका मतलब क्या होता है? सपोज ए इज अ मैट्रिक्स, वन टू एंड फाइव ऐसे कुछ उसमें एलिमेंट्स हैं, तो ये वो मैट्रिक्स होता है जहां पे सिर्फ ओनली एंड ओनली वन रो होता है. इसी तरीके से सिमिलरली इसी तरीके से होता है एक आपका कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर. ध्यान देना, कॉलम मैट्रिक्स और यू कैन से कॉलम वेक्टर. यहां पे क्या होता है? यहां पे ये वो मैट्रिक्स है जिसपे एक ही कॉलम होने वाला है, ये वो मैट्रिक्स है जिसमें एक पर्टिकुलर ही कॉलम होने वाला है सिर्फ, बस दैट्स इट. तो जैसे रो मैट्रिक्स में या रो वेक्टर में
एक ही रो हुआ करता था, वैसे यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होने वाला है. यू कैन राइट इट डाउन, ओनली वन कॉलम, यू कैन से ओनली वन कॉलम. ठीक है, आई थिंक सो दोनों में कुछ ज्यादा और चीज है नहीं, आप इसको फटाफट लिख लो. चीज क्लियर है? हाँ ना, जिनका हो गया टाइप नंबर थ्री डालना जीरो मैट्रिक्स. टाइटल देना थर्ड वन नल मैट्रिक्स, ध्यान दो सामने, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स. अब अगर पकड़ के चलो ए एक मैट्रिक्स है जो कि कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है, सपोज उसमें तीन एलिमेंट्स है और तीनों भी जीरो है, या फिर ए एक आपका ऐसा मैट्रिक्स है जहां पे चार एलिमेंट्स है और ये चारों भी जीरो है, या फिर ये एक रो मैट्रिक्स है यानी कि इसमें एक ही रो है और उसमें भी दोनों एलिमेंट्स जो है ये जीरो है. तो इन शॉर्ट जब भी एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज जीरो, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स. क्या है इन शॉर्ट, यहां पे एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज नथिंग बट जीरो. दैट मीन्स आई कैन से एम इंटू एन इज इक्वल टू यहां पे जीरो, मतलब जितने भी रोज है जितने भी कॉलम्स है सब जीरो ही है. इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जीरो m into n, वो o नहीं है वो जीरो है, जीरो m into n, कुछ इस तरीके से इसको हमको रिप्रेजेंट करना होता है. ठीक है, चीज क्लियर है यहां तक, फटाफट लिख लो.
यस अनुराग, एन इंटू एम, एम इंटू एम सॉरी इज नथिंग बट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो वही यहाँ पे बात करें ना, एम इंटू एन इज नथिंग बट योर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये यहाँ पे जो भी होता है ये सब जीरो होता है, ठीक है। चलो नंबर फोर, बात करते हैं नंबर फोर। नंबर फोर लिखना स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, बस नाम लिख के साइड में छोड़ दो, स्क्वायर मैट्रिक्स और दूसरा लिखना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बेटा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसके लिए मैं साथ में लिखवा रहा हूं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसके लिए मैं साथ में लिखवा रहा हूं। ध्यान देना सामने स्क्रीन पर, जब मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करता हूं, नाउ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज ए इज अ मैट्रिक्स, नाउ दिस इज 1 0 0 एंड 1 से फॉर एग्जांपल, राइट। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? जी हां बिल्कुल। क्या हो रहा है यहां पे? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एन, समझ रहे हो बात को? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल है तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, और अगर इक्वल नहीं है तो ये हो जाएगा आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लाइक फॉर एग्जांपल 1 0 0 1 1 1, कितने रोज है? 3। कितने कॉलम, कितने रोज है? 2। कितने कॉलम्स है? 3। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं। यहां पे क्या हो जाता है? अभी यहां पे अगर सिंपली मैं बात करूं, आई कैन से दैट नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, समझ रहे हो बात को? हाँ, आना लिखना मत, ध्यान दो सामने। नंबर फाइव, डायगोनल मैट्रिक्स, नंबर फाइव डायगोनल मैट्रिक्स। अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स की बात करता हूं, ध्यान देना, से व्हेन आई से ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स की बात करता हूं, क्या हो रहा है यहां पे? ध्यान दो, ये जो डायगोनल है ये डायगोनल के अंदर नॉन जीरो एलिमेंट्स है और बाकी के एलिमेंट्स जीरो है। इन शॉर्ट ये जो डायगोनल होता है यहां पे ही सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट्स होने वाले हैं। ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर जीरो एलिमेंट्स बट द डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स, आप देख सकते हो डायगोनल को ध्यान से, डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स में ही सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट्स है। ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। लिखना मत, ध्यान देना सामने। नंबर सिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ध्यान देना सामने, स्केलर मैट्रिक्स। अब यहां पे क्या होता है, सी ध्यान देना, के 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 0 0 0 0 0 0, सर ये क्या किया आपने? यहां पे जो ये के है, दिस के इज नथिंग बट के इज योर कांस्टेंट, समझ रहे हो? सी यहां पे ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है, सी ध्यान देना, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स था क्या? जी हां बिल्कुल। व्हाई? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ आर इक्वल। स्केलर मैट्रिक्स क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है? जी हाँ बिल्कुल। स्केलर मैट्रिक्स क्या डायगोनल मैट्रिक्स है? जी हाँ बिल्कुल। व्हाई? बिकॉज़ डायगोनल हैज अ नॉन जीरो एलिमेंट्स, उसके अलावा सब एलिमेंट्स जीरो है, बट ये स्केलर मैट्रिक्स क्यों है? बिकॉज़ यहां पे अगर आप देखोगे तो डायगोनल में जो भी एलिमेंट्स है ये इक्वल है। तो सपोज के जगह पे तीनों जगह में 1 लिख सकता हूं, के जगह पे तीनों जगह में 2 लिख सकता हूं, के जगह पे तीनों जगह में 3 लिख सकता हूं। ऑल द एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर इक्वल और यू कैन से सेम, समझ सकते हो क्या बात को? हाँ ना, ठीक है। ध्यान देना यहां पे मैं लिखवा रहा हूं, इट इज नथिंग बट डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं जहां पे लीडिंग डायगोनल जो है, यानी कि जब हम डायगोनल की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल के ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, नॉन जीरो। ऑल एलिमेंट्स ऑफ द लीडिंग डायगोनल आर इक्वल और यू कैन से नॉन जीरो एंड इक्वल, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर है? ये था नंबर सिक्स आपके लिए। आज नंबर सेवन पे लिखना कुछ नहीं, सामने ध्यान दो। नंबर सेवन, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स सपोज ये एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, सर वापस आपने वही तो ड्रॉ किया है? नहीं, यहां पे अब जो लीडिंग डायगोनल का एलिमेंट्स है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लीडिंग डायगोनल, ध्यान देना समझना क्या बता रहा हूं, आर यूनिटी। यूनिटी यानी कि क्या? ये सब 1 है, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट सब 1 है। अब मुझे एक बात बताओ, हमने क्या क्या देखा? हमने देखा है पहला स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। हमने देखा है हमने मैट्रिक्स में पहले देखा है स्क्वायर मैट्रिक्स,
राइट स्क्वायर मैट्रिक्स समझा हमने क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू इक्वल, यानी कि मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एन, ठीक है। अगर ये सेम होता है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स में एक डायगनल होता है, राइट डायगनल होता है या नहीं होता है? यस, इसको हम डायगनल मैट्रिक्स कब बोलेंगे? इसको हम डायगनल मैट्रिक्स जब बोलेंगे जब इसके लीडिंग डायगनल के जो एलिमेंट्स है ये नॉन जीरो होंगे और बाकी के सब एलिमेंट्स जीरो होने वाले हैं, यानी कि लीडिंग डायगनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। इसका मतलब ये है कि बाकी के एलिमेंट्स जो है लीडिंग डायगनल के अलावा ये सब जीरो है। इसी डायगनल मैट्रिक्स को मैं स्केलर कब बोलूंगा? इसी स्क्वायर को डायगनल, डायगनल को हम आगे लेके जा रहे हैं स्केलर में। स्केलर कब होगा? जब लीडिंग डायगनल के जो एलिमेंट्स होते हैं ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, राइट। और इसी स्केलर को मैं यूनिट मैट्रिक्स कब बोलूंगा? जब लीडिंग डायगनल के जो एलिमेंट्स होते हैं ये एलिमेंट्स जो है ये यूनिटी होते हैं। समझ रहे हो बात को? ये मैंने आपको एक मस्त बेहतरीन समरी बना के दी है जिससे आपके पूरे कंफ्यूजन दूर होने चाहिए। स्क्वायर कब होता है, डायगनल कब होता है, स्केलर कब होता है, यूनिट कब होता है। क्या यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है? जी हाँ बिल्कुल। क्या स्केलर मैट्रिक्स डायगनल मैट्रिक्स है? जी हाँ बिल्कुल। क्या हर डायगनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है? जी हाँ बिल्कुल। तो ये रिवर्स ऑर्डर ग्राफ जब देखते हो वहां से लेकर यहां तक ये सब सेम होते हैं, यानी कि यूनिट वाला बाय डिफॉल्ट स्केलर होने ही वाला है। व्हाई? बिकॉज़ यूनिट मतलब क्या है? यूनिट मतलब तीनों भी एलिमेंट्स जो डायगनल में है ये तीनों भी वन होते हैं, और अगर ये तीनों भी वन है मतलब तीनों भी इक्वल है मतलब ये स्केलर हो गया। जब ये तीनों भी एलिमेंट्स है तो उसका मतलब क्या है? ये डायगनल है बिकॉज़ बाकी के नॉन जीरो है, और जब ये डायगनल है जब हम डायगनल ड्रॉ कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, जब ये इक्वल है तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ रहे हो? बट क्या हर स्क्वायर मैट्रिक्स डायगनल होगा? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। क्या हर डायगनल स्केलर होगा? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। क्या हर स्केलर यूनिट होगा? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। समझ रहे हो बात को? हाँ है ना, ठीक है। चलो अच्छा, लो जो भी क्वेरीज है आप मुझे पूछ सकते हो। चीज क्लियर बेटा? हाँ है ना। आदित्य आपके क्वेश्चन का आंसर आप ही को मिल जाएगा, थोड़ा टाइम रुक जाओ।
नीचे जो मैंने कंपैरिजन दिया है स्क्वायर डायगोनल स्केलर यूनिट, उसको ध्यान से देखना है और ध्यान से लिखना है, ठीक है? वो आपके समरी बुक में भी जाने वाला है। यस मनीषा करेक्ट। जिनको नंबर सिक्स देखना है फिर से ये लो नंबर सिक्स भी देख लो। यूनिट में ऑफ के बाद क्या लिखा है? ऑफ लीडिंग डायगोनल आर यूनिट आर यूनिटी, ऑफ लीडिंग डायगोनल आर यूनिटी। यूनिटी की मीनिंग हमने इसके पहले भी देखी कि वन होती है। डन, चीजें क्लियर है यहां तक? ये जो पार्ट हमने देखा है ये पार्ट क्लियर है पूरी तरीके से? एक बार फिर से ध्यान से देखना, एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। जब भी कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी कि क्या होता है, उसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। जब इसी मैट्रिक्स का जो लीडिंग डायगोनल होता है उस डायगोनल के सब एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट्स होते हैं ये सब एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हो जाता है, ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाता है। जब भी इस स्केलर मैट्रिक्स के आगे अगर हम जाते हैं, जब यूनिट मैट्रिक्स की बात करते हो तो ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट वन होता है, यानी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लीडिंग डायगोनल आर यूनिटी और यू कैन से वन, तभी हम इसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट? हमने अभी तक कितने टाइप देखे? 7 टाइप्स देखे हैं। आ जाओ टाइटल देना 8th, टाइटल देके छोड़ देना, आगे ध्यान दो सिर्फ, राइट? टाइटल दो 8th। बात करते 8th में ट्राइंगल मैट्रिक्स। सर ये क्या ट्राइंगल मैट्रिक्स? जी हाँ, अच्छा ट्राइंगल तक ही नहीं रुके ये लोग, ट्राइंगल में भी दो टाइप्स है, वन इज अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स एंड अनदर वन इज लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। ध्यान देना, समझा रहा हूं, सामने बुक वगैरह साइड में रख दो। यस, अब मैं अपर ट्राइंगल का आपको एग्जाम्पल देता हूं। अगर ए एक मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे कुछ एलिमेंट्स है, और लोअर का एग्जाम्पल देता हूं जहां पे 1 2 3 4 5 और सपोज 6 ऐसे कुछ एलिमेंट्स है, क्या डिफरेंस लगा पा रहे हो दोनों में? आप मुझे बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में, लाइव बैच वालों फटाफट बताओ क्या डिफरेंस दिख रहा है, व्हाट इज हैपनिंग?
दोनों में क्या डायगोनल दिया हुआ है? सी, यहां पे ये डायगोनल है, यहां पे ये डायगोनल है। तो अगर आप पहले वाले केस में देखोगे, यानी कि अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में, तो ये ट्रायंगल के जो ऊपर वाले एलिमेंट्स है, ट्रायंगल के बेटा ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है, इसको पेन को क्या हो गया, ठीक है, ये ट्रायंगल के जो ऊपर वाले एलिमेंट्स, देखो ऊपर वाले एलिमेंट्स, ये सब एलिमेंट्स नॉन जीरो है। और यहां अगर देखोगे इसके लोअर वाले एलिमेंट्स जो है, ये लोअर जो एलिमेंट्स है, ये सब नॉन जीरो है। यानी कि क्या, लोअर मैट्रिक्स में, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में जो लोअर के मैट्राइसेस होते हैं, यहाँ लोअर के एलिमेंट्स होते हैं, ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ये सब है नॉन जीरो, और अपर में अपर वाले नॉन जीरो है। अब सर ट्रायंगल क्यों, अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर आपने रियलाइज किया होंगे, ये देखो ये ट्रायंगल बन गया ना, यहां से अगर आप ऐसा पकड़ते हो तो ये ट्रायंगल हो गया, ये लोअर ट्रायंगल है। बिकॉज लोअर ट्रायंगल में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ये सब नॉन जीरो है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये ऐसा वाला एक ट्रायंगल हो गया। इसके लिए इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल मैट्रिक्स। समझ पा रहे हो चीज को? हाँ या ना? तो जब मैं अपर ट्रायंगल की बात करता हूं, अपर ट्रायंगल की जब मैं बात करता हूं, तो डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है, रेस एलिमेंट्स ओवर, या यू कैन से एलिमेंट्स टू द अपर साइड ऑफ द ट्रायंगल और अपर साइड ऑफ द डायगोनल आर नॉन जीरो। यस, ठीक है, यहां आप उल्टा लिख सकते हो, ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर जीरो, जैसे भी, ठीक है। सो मैं यहां लिखता हूं ऑल एलिमेंट्स अबव डायगोनल All elements above diagonal are non-zero, right? और यहां पे all the elements लिखना start कर सकते हो आप, below the diagonal are non-zero, ठीक है। चलो, जिनको छापना है फटाफट छाप लो, go for it fast। सर non-zero number making triangle, zero का positions नहीं मैटर नहीं करता कुछ, आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि वो एक ट्रायंगल बना रहा है या नहीं बना रहा है, दैट्स इट। अरे अनुराग, m इंटू एन आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, m इंटू एन इज इक्वल टू जीरो, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है उस तरीके से, समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? ठीक है सर, पोजिशन ऑफ जीरोज इज डिफरेंट, मतलब मैं समझा नहीं आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। सर लोअर पार्ट जीरो है और अपर पार्ट जीरो है,
मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। ऑल द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल आर नॉन जीरो, इसी को हम अपर ट्राइंगल बोलते हैं। अगर आप आपके मॉड्यूल में देखोगे तो वहां आपको दिया हुआ है ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर जीरो, मैंने आपको उसका उल्टा लिखा हुआ है, सेम चीज है, मतलब बोथ आर करेक्ट ना। नीचे जो एलिमेंट्स है ये है, क्या है ये नॉन, ये जीरो है, और ऊपर जो एलिमेंट्स ये नॉन जीरो है, बट नाम क्या है अपर ट्रायंगल दिया है। मैं ये बिलीव करता हूँ कि अपर ट्रायंगल मतलब अगर हम अपर से रिलेट करेंगे तो आप इसको इजीली लिख पाओगे, इसके लिए मैं आपको अपर से रिलेट करके लिखवा रहा हूँ। आप हर चीज को मॉड्यूल में उस तरीके से कंपेयर मत करो, फिर आप मॉड्यूल से ही पढ़ लो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा मॉड्यूल गलत है, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि मैंने चीजें आपके लिए थोड़ी सी और सिंप्लीफाई की हुई है, और कुछ नहीं किया हुआ मैंने, समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? तो अगर मैं अपर बोलता हूँ तो मुझे अपर की मीनिंग देनी चाहिए। हाउएवर आपको मॉड्यूल में क्या दिया हुआ है, लोअर की मीनिंग दी हुई है कि यार अपर मैट्रिक्स में लोअर एलिमेंट्स टू द डायगोनल आर जीरो, मैं आपको दे रहा हूँ कि अपर एलिमेंट्स टू द डायगोनल आर नॉन जीरो, बात एक ही है, दोनों जगह चीजें एक ही दी हुई है, समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? ठीक है, चलो और क्या क्वेरी है आपकी? ओके, जीरो वाला तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया सर, मॉड्यूल में अपर ट्रायंगल का थर्ड एग्जांपल समझ नहीं आ रहा है, जब वो एग्जांपल मैं यहाँ ले लूंगा आपको समझ में आ जाएगा। सर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हमेशा स्क्वायर होगा? नॉट नेसेसरी, आपको ट्राइंगल बनना चाहिए सिर्फ, बस। सर अगर ट्राइंगल नहीं फॉर्म हुआ तो क्या हम उसे डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं? बोल के छोड़ देते हैं, छोड़ना क्यों है, पकड़ के रखना है तो ही रखना है ना, नहीं तो बात ही नहीं करनी है उसकी। अगर डायगोनल है तो डायगोनल मैट्रिक्स है, सिंपल। डायगोनल नहीं है तो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। डायगोनल का और ट्राइंगल का कुछ संबंध नहीं है आपस में। हाँ, ट्राइंगल अगर होता है तो डायगोनल तो बाय डिफॉल्ट आने ही वाला है, ठीक है। चलो सर मॉड्यूल में, मेरे पास मॉड्यूल सामने नहीं है बेटा, अभी आप मुझे क्वेरी भेज दो, मैं मॉड्यूल से देख के बता दूंगा आपको, ठीक है। सर व्हाट इफ नॉन जीरो मेक अ पिरामिड, नॉन जीरो मेक अ पिरामिड, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो बनाने दो ना, आपके लिए तो स्क्वायर रेक्टेंगल मैट्रिक्स होगा, जो भी होगा, एज एन व्हाट इज एप्लीकेबल टू इट, राइट। यहां तक चीजें क्लियर है बेटा, जो भी हमने देखा है अभी तक? हाँ या ना? जिनका क्लियर है आ जाओ सब मैट्रिक्स पर, जिनके पास अभी भी क्वेरीज है प्लीज टाइप इट आउट, ठीक है। जो जीरो वाले थे, जो मॉड्यूल में और जो मैं बता रहा हूँ, इन दोनों चीज को डायरेक्ट कंपेयर कर रहे थे, आपका डाउट क्लियर है बेटा? जो आप बोल रहे हो वो भी सही है, जो मैंने बताया वो भी सही है, कुछ गलत नहीं पढ़ाऊंगा आपको, विश्वास रखो, कुछ गलत नहीं पढ़ाऊंगा। यू कैन बिलीव इन मी, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। यू कैन ट्रस्ट योर टीचर, नॉट अ प्रॉब्लम, जो भी पढ़ाऊंगा सही पढ़ाऊंगा आपको मैं, ठीक है। चलो, और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपको कंफ्यूजन होता है, तो आप उस चीज को क्लियर किया करो, जैसे अभी क्लियर कर रहे हो, ठीक है। चलो आदित्य, डाउट क्लियर है तेरा भाई? यस। और कौन था, और भी एक जन था, आई गेस, राइट। क्रांति, राकेश, डाउट्स क्लियर है आप लोगों के? यस। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, कंसेप्ट नंबर 8 डालना, या टाइप नंबर 8 डालना। सर उस एग्जांपल में 4 इंटू 4 मैट्रिक्स और बस 4 इंटू 2 वाला एलिमेंट जीरो है, नहीं फिर वहां पे कुछ तो गलत हुआ होगा। मैं एक बार वो एग्जांपल चेक करता हूँ मॉड्यूल का और आपको बताता हूँ मैं, या आई डोंट नो, अगर वो हम आगे देखने वाले हैं इस चैप्टर में तो मैं आपको उस चीज को डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, नीड नॉट वरी। चलो नेक्स्ट आइडल है ना, नंबर 9, नंबर 9 सब मैट्रिक्स, ध्यान दो मिनट सिर्फ, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ चीज को। ए एक मैट्रिक्स है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट। अब इसमें मैंने इस रो को डिलीट कर लिया और इस कॉलम को डिलीट कर लिया और मैंने एक नया मैट्रिक्स बनाया जिसमें एलिमेंट्स है 1, 3, 7 एंड 9, समझ रहे हो बात को, राइट। तो यहां से मैंने ये मैट्रिक्स बना लिया है, इस मैट्रिक्स को मैं बोलता हूं सब मैट्रिक्स, दिस इज सब मैट्रिक्स ऑफ The parent matrix. वो एक parent matrix है जिसमें से कोई भी एक row, एक column delete कर लो, जो बचता है उससे एक matrix बनाओ। तो sir, क्या हम यहाँ पे suppose A is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और यहाँ पे मैंने इसको इसको delete कर लिया और जो बचता है उससे मैंने एक matrix बना लिया, 4, 5, 7 and 8, क्या ये मेरा सब मैट्रिक्स है? जी हाँ बेटा, ये आपका सब मैट्रिक्स है, समझ रहे बात को? मतलब हमने डिलीटिंग वन और मोर रोज और कॉलम्स और बोथ विल गिव यू अ सब मैट्रिक्स, दैट्स इट, ठीक है। फटाफट इस चीज को लिख लो और उसके बाद एक 10 मिनट की ब्रेक ले लो, गो फॉर इट फास्ट। कोई भी क्वेरी है फटाफट आप चैट बॉक्स पर टाइप कर सकते हो, वर्चुअल वाला जो उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं आप मुझे क्वेरी मैसेज कर सकते हो।
इन जीरो मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, करेक्ट सुमित? ठीक है चलो, जिनका यहां तक हो गया है 7-10 मिनट्स की ब्रेक ले लो, फिर मिलते हैं।
वनीषा, कीर्ति एंड अमिताभ, आप तीनों के क्वेरीज का आंसर है यस। चलो आ जाओ कंसेप्ट नंबर 10 पे, या टाइप नंबर 10 पे, देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। कंसेप्ट नंबर 10, इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस की बात करते हैं। नाउ इफ आई गिव यू दैट व्हेन द मैट्रिसेस आर इक्वल, व्हेन ऑर्डर ऑफ बोथ इज सेम, यानी कि क्या, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। समझ रहे हो बात को? मतलब अगर यहां पे m इंटू एन एक मैट्रिक्स का है 11, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों भी 11 है, और दूसरा मैट्रिक्स है m इंटू एन, इसका ये भी ऑर्डर 11 है, सपोज ये a है, सपोज ये b है, तो यहाँ पे भी a में भी 11 रोज एंड 11 कॉलम्स है, b में भी 11 रोज एंड 11 कॉलम्स है, तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होने वाले हैं। बट एट द सेम टाइम अगर मैं ए टू थ्री बोलूं और मैं बी टू थ्री बोलूं, ये दोनों भी सपोज फॉर एग्जाम्पल 6, मतलब यहाँ पे ए में योर सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम एंड बी में सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम दोनों के एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, इनकी सेम होने चाहिए। ठीक है, चलो छाप लो, गो फॉर इट फास्ट। दो ही कंडीशंस है, एक तो ऑर्डर होना चाहिए सेम, दूसरा तो आपके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ये इक्वल होने चाहिए। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है? फटाफट लिख लो इस चीज को। डन, चलो नेक्स्ट टाइटल देना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। आइए कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। अगर ए बी और सी ये तीन मैट्रिसेस है ऑफ दी सेम ऑर्डर, यानी कि तीनों के केसेस में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है, उसी के बाद ये तीन प्रॉपर्टीज जो मैं आपको बता रहा हूं ये एप्लीकेबल होंगे वहां पे, राइट? नंबर वन, क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस। क्यूमुलेटिव लॉ सर, ये क्या होता है क्यूमुलेटिव लॉ? ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू बी मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स, मतलब आप ए में बी ऐड कर दो या बी में ऐड कर दो, ए एंड आंसर आपका सेम आएगा। नंबर टू, एसोसिएटिव लॉ, ध्यान देना, अगर ए प्लस बी आप करते हो और उसमें प्लस सी ऐड करते हो, दिस विल बी इक्वल टू, अगर आप बी प्लस सी कर रहे हो और उसमें ए ऐड कर रहे हो, बात एक ही है। ठीक है, आ जाओ नंबर थ्री, अगर ए प्लस बी आपने कर लिया है और उसको एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर रहे हो, बीट ए बी सी डी 1 2 3 4 जो भी होगा, राइट, दिस विल बी इक्वल टू के इनटू ए प्लस के इनटू बी। सर एग्जांपल देता हूं, पहले लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। एग्जांपल देता हूं, राकेश करता हूं एक्सप्लेन।
जिनको इक्वल मैट्राइस समझना है ध्यान देना, इक्वल मैट्राइस वो होता है जहां पे नंबर ऑफ रोज दो मैट्रिक्स है, सपोज ए एंड बी, ये दोनों इक्वल कब होंगे, दोनों मैट्रिक्स ये तभी इक्वल होंगे जब दोनों के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने वाले हैं। प्लस अगर मैं इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की बात करता हूं, से ए मैट्रिक्स में सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में जो नंबर है ये 6 है, तो यू कैन से जो दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसमें भी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो 6 होगा, तभी इनको हम बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है, दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्रॉपर्टीज की, पहले तो ये प्रॉपर्टीज तभी एप्लीकेबल होंगी उन मैट्रिक्स पे जब वो मैट्रिक्स होने वाले ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर वो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के नहीं होते, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, तो ये तीनों लॉज कुछ एप्लीकेबल नहीं होने वाले हैं। नंबर वन, क्यूमुलेटिव सीरीज या क्यूमुलेटिव लॉ, ये क्या होता है, ए को बी में ऐड कर दो या बी को ए में ऐड कर दो, आंसर सेम आने वाला है, इक्वल रिजल्टेंट आने वाला है। नंबर टू, एसोसिएटिव लॉ, ए और बी को ऐड कर दो उसमें सी को ऐड कर दो, या फिर बी और सी को ऐड करो उसमें ए को ऐड करो, बात एक ही है। एंड नंबर थ्री, ए प्लस बी इसको ऐड कर दो, इसको एक कोई नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो, कांस्टेंट के है, राइट, 1, 2, 3, 4 कोई भी नंबर हो सकता है, ये के इंटू ए प्लस के इंटू बी दोनों के साथ इक्वल होने वाला है, ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज है। अब आओ एक एग्जांपल देता हूं, सपोज 2, 3, 5, 4, 6, 0 ये एक मैट्रिक्स है, प्लस 5, -3, 0, 1, 4, 2 चलो मुझे बताओ आंसर क्या आता है, ऐड कर दो 2 + 5 = 7, 3 - 3 = 5 + 0 = 5, 4 + 1 = 5, 6 + 4 = 10 and 0 + 2 = 6 समझ रहे बात को, ए और बी दोनों को हमने ऐड कर लिया। इसी तरीके से मुझे बताओ अगर हम सब्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, 2, 3, 5, 4, 6, 0 पहली बार हम प्रैक्टिकल कुछ सॉल्व कर रहे हैं, एडिशन डिलीशन, राइट, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पहली बार सॉल्व कर रहे हैं अपन, माइनस इसको मैं करता हूं 5 - 3 = 0, 1, 4, 2 पहले एडिशन और सब्सट्रैक्शन समझ लो फिर एग्जांपल्स देखेंगे। बोलो क्या आता है, 2 - 5 - 3, 3 - 3 = 6, 5 - 0 = 5, 4 - 1 = 3, 6 - 4 = 2, 0 - 2 - 2 चेक कर लो आप ये कर पा रहे हो क्या नहीं, गो फॉर इट फास्ट। जिनका ये हो गया है नेक्स्ट टाइटल, डन। ठीक है, चीज क्लियर है यहां तक, हाँ या ना? टाइटल दो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे एक चीज बताऊंगा जो कि थर्ड लॉ हमने जो देखा था उसके साथ रिलेटेड है। टाइटल देना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन
एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमने स्केलर मैट्रिक्स में क्या देखा था, जो लीडिंग डायगोनल है इसके जितने भी एलिमेंट्स है ये इक्वल होने वाले हैं, एक कांस्टेंट इक्वल के होने वाले हैं, राइट। सो यहां पे हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स बाय द स्केलर और यू कैन से बाय द कांस्टेंट के, जो भी आपको दिया होगा, ठीक है। चलो अब एग्जांपल देखते हैं। ए इज अ मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल 2, 3, 4 एंड 5, इसमें ये एलिमेंट्स हैं और k इज अ कांस्टेंट 3। नाउ टेल मी व्हाट विल बी k इनटू a। कैन आई से 2 इनटू 3 6, 3 इनटू 3 9, 4 इनटू 3 12 एंड 5 इनटू 3 15। यस दिस इज करेक्ट, गो फॉर इट फास्ट। समझना है, छापना है, सिर्फ छापना नहीं है। सूरज ध्यान देना, ए एक मैट्रिक्स है जिसमें चार एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4 एंड 5 और के एक स्केलर कांस्टेंट है। अगर के को हमें पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, के को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो, दैट्स इट, और कोई चीज नहीं है, नो रॉकेट साइंस, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक लिखना। जैसा हमने मैट्रिक्स को एडिशन किए थे, यहाँ पे देखो ये जो प्रॉपर्टीज मैंने बताया था ये एडिशन वाले प्रॉपर्टीज थे, यहाँ पे हम ऐड कर रहे थे मैट्रिक्स को, अगर आप देख पा रहे हो तो। अब आओ कुछ प्रॉपर्टीज भी देखते हैं और ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करता है मैट्रिक्स का, इसको कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं, ठीक है। चलो टाइटल देना मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्राइसिस और बुक्स को छोड़ दो। सर मैट्रिक्स एडिशन डिलीशन सब्स्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आप सब टू मैट्रिसेस का ही दिखा रहे हो, बेटा अपने सब्जेक्ट में अपने सिलेबस में टू मैट्रिसेस के बारे में ही चीजें दी हुई है। हाँ ये 10 मैट्रिसेस भी हो सकता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, बट वो एडवांस्ड लेवल ऑफ मैथमेटिक्स आता है, उसके लिए आपको इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, एक मैट्रिक्स है ए, दूसरा मैट्रिक्स है बी, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं, ओनली वेन, हम मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं वेन नंबर ऑफ कॉलम्स, ध्यान देना क्या लिख रहा हूं, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। ध्यान देना क्या लिखा हुआ है मैंने, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। हम ये नहीं देख रहे कि उसमें एलिमेंट्स क्या है, हम ये देख रहे कि नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज ये इक्वल होने चाहिए, समझ रहे हो बात को। हाँ ना, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ये इक्वल होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी नंबर वन। लिखना मत ध्यान दो, A into B is not equal to B into A. That means they are not cumulative. हम अगर addition की बात कर रहे थे तो ये cumulative थे. A plus B was equal to B plus A. However, A into B is not equal to B into A. Number two, A into B into C is equal to B into C into A. That means this is associative. Associative है, cumulative नहीं है, but associative है। और addition के केस में ये cumulative भी था, ये associative भी था। Number three, अगर मैं b plus c करता हूँ और उसको a से multiply करता हूँ, this will be equal to a into b plus a into c। Number four, a plus b into c is equal to a into c plus b into c।
थ्री, सेम चीज जो हमने नंबर थ्री में लिखी हुई है, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर है? सर प्रैक्टिकली इस चीज को कैसे एग्जीक्यूट करता है, मल्टीप्लीकेशन को दिखाऊंगा, पहले लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। सर कैन स्केलर वैल्यू भी ऑल्सो एडेड टू मल्टीप्लीकेशन? नहीं, नॉट एग्जैक्टली। ठीक है, डन। नंबर फाइव लिखना, लिख सकते हो साथ में, ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी, देन क्या इसका मतलब यह है कि बी शुड ऑल्सो बी इक्वल टू सी? नहीं, ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं है। नंबर सिक्स, अगर एक मैट्रिक्स है जिसमें m इंटू एन कुछ नंबर ऑफ रोज है, कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स है, एंड एक जीरो मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज को n से इंडिकेट किया, नंबर ऑफ कॉलम्स को p से इंडिकेट किया हुआ है, और ये जीरो दिया हुआ है, जीरो मैट्रिक्स है, इन दैट केस देन a को अगर मैं जीरो के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये जीरो ही आने वाला है, एंड a भी यहां पे जीरो बन जाएगा। इन शॉर्ट समझ रहे हो, मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जब भी आप कोई जीरो मैट्रिक्स को कोई भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर जीरो ही होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहां तक चीज क्लियर है? हाँ या ना? चलो आ जाओ एक मल्टीप्लीकेशन का एग्जांपल देखते हैं। सपोज ए है, ध्यान देना, 1, 5, 3 एंड 4, 5 एंड 6। बी इज 5, 1, 2, 3, 0, 8। हमें क्या बोला गया था, ऊपर आ जाना, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1, 2 एंड 3, यानी कि आई कैन से यहां पे 3 कॉलम्स है। यस, यहां पे नंबर ऑफ रोज 1, 2 एंड 3, कैन आई से यहां पे 3 रोज दिए हुए हैं। यस, सो अगर मैं ए की बात करता हूं 3 कॉलम से, बी की बात करता हूं 3 रोज है, कैन आई मल्टीप्लाई एंड राइट ए इंटू बी? क्या ये आ सकता है? जी हाँ, ये बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, अब सर इसको करे कैसे, सिखाने के पहले टाइम दूंगा कोशिश करने के लिए, ट्राई करो, आई नो आपको पता ही नहीं है क्या करना है, कोशिश करो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, गो फॉर इट फास्ट। हिंट ऑलरेडी आपके स्क्रीन के सामने है, कोशिश करो कैसे करोगे। सर 5 एंड 6 रिपीट करो,
फाइव और सिक्स को रिपीट करता हूं, ध्यान देना सामने। नंबर फाइव, ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी फॉर एग्जाम्पल, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि बी एंड सी ये इक्वल है, ठीक है। अगर एक मैट्रिक्स है जिसमें m नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम्स है, और एक जीरो मैट्रिक्स है विद n नंबर ऑफ रोज एंड p नंबर ऑफ कॉलम्स, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, किसको भी जीरो से मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा जीरो, तो कोई भी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन का मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको ट्राई करना है, दो मिनट देता हूं। बोलो क्या बात है। चलो ध्यान देना सामने, मल्टीप्लाई करना कैसे है, जिनको नहीं आया है ध्यान दो सामने, जिनको आ गया है कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट ए इनटू बी, व्हाट यू हैव टू डू, पहले तो आपको जो कंडीशन चेक करनी है मल्टीप्लाई करने के पहले, वो तो हमने चेक कर ली है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, ये तो मैच हो रहा है। अब करेंगे कैसे, यहां से आपको वन लेना है, यहां से आपको फाइव लेना है, फिर यहां से आपको फाइव लेना है, यहां से आपको वन लेना है, यहां से आपको थ्री लेना है, यहां से आपको टू लेना है, समझ रहे हो बात को, मतलब यहां पे आपको रो लेना है, यहां पे आपको कॉलम लेना है, ऐड करना है, ठीक है। कैसे आओ देखते हैं, वन इंटू फाइव प्लस फाइव इंटू वन प्लस थ्री इंटू टू, चीज क्लियर है, यस। अब सर आगे क्या करें, अब वापस यहां का पहला रो और उस साइड का दूसरा कॉलम, यानी कि वन इंटू थ्री प्लस फाइव इंटू जीरो प्लस थ्री इंटू एट, यहाँ पे क्या होगा, फोर इंटू फाइव प्लस फाइव इंटू वन प्लस सिक्स इंटू टू, यहाँ पे क्या होगा, फोर इंटू थ्री प्लस फाइव इंटू जीरो प्लस सिक्स इंटू एट, समझ रहे हो बात को, हाँ या ना, क्या रहा है आंसर, इज इट कमिंग टू 16 27 37 60। जिनको नहीं समझा है फिर से समझा रहा हूं, ध्यान देना क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन के समय पहले मैट्रिक्स का आपको लेना है पहला रो, उसको मल्टीप्लाई करना है बी के साथ जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके कॉलम के साथ, तो यहां का रो वहां का कॉलम, राइट, जितने भी एलिमेंट्स है आपस में मल्टीप्लाई करो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो, ठीक है। ये चीज कंटिन्यू होगी सेकेंड रो और वहां पे सेकेंड कॉलम के साथ भी, यस, और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। एक बार ध्यान से देख लो क्या किया हुआ अपन ने, ठीक है, चलो गो फॉर इट फास्ट। जिनके आंसर गलत आए हुए हैं प्लीज ध्यान से देखो किया क्या है हमने, ठीक है।
जिनका हो गया है एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले सबको ये लिखने दो। सर कॉलम नंबर थ्री का क्या होगा, कॉलम नंबर थ्री किधर है, दो ही तो रोज है और दो ही तो कॉलम है। डन, सर बी इंटू ए, अरे वनीषा कैसे लिखोगे, एक ही रो में आप आंसर कैसे लिखोगे जबकि दो आंसर आते हैं, दो रोज आते हैं, दो कॉलम्स बनते हैं, ठीक है। चलो राकेश, बी इंटू ए करना हो तो कैसे करेंगे, सेम चीज उल्टा, आपको क्या करना है, बी में कितने कॉलम्स है और ए में कितने रोज है ये मैच करना है, वो मैच हो रहा है तो आप बी इंटू ए कर सकते हो, इस केस में आप बी इंटू ए नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देता हूं लिखने के लिए। सेलिंग प्राइस आप लिख सकते हो साथ में, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर 3.50, 2.75 एंड 1.50। यस, नेक्स्ट एनुअल सेल वॉल्यूम इन टू मार्केट्स आर एस फॉलोज, एक्स का, वाई का और जेड का। यस, नंबर वन एंड नंबर टू क्या रहा है, 6,000, 9,000, 13,000, राइट, 12,000, 6,000 एंड 17,000, ठीक है। योर क्वेश्चन इज टू फाइंड टोटल रेवेन्यू। सर ये तो नॉर्मल क्वेश्चन भी हो सकता था ना, जी हाँ बिल्कुल, बट आपको सॉल्व करना है मेट्राइसिस के साथ, आपको सॉल्व करना है मैट्रिक्स के साथ। 5 मिनट देता हूं, कोशिश करो। सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जी हां बिल्कुल, ठीक है। 5 मिनट्स दे रहा हूं, ट्राई करो, गो फॉर इट फास्ट। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसमें से आप इसको सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल।
वनीषा, क्या आपने इसको मैट्रिसेस से सॉल्व किया है? वही तो बोल रहा हूँ मनीषा, वो तो आप कर ही सकते हो, बट आप अगर मेट्राइसिस के थ्रू इसको सॉल्व करना चाहते हो जस्ट टू अंडरस्टैंड दी प्रोसेस। सी, अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, आप इसको गो बाय ऑप्शन, आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपको मेट्राइसिस का वे समझना है किस तरीके से करना है, तो इसको कैसे किया जाए, पहले तो आपको मैट्रिक्स बनाने पड़ेंगे इसके लिए, राइट। तो पहला मैट्रिक्स अगर मैं बनाता हूँ वो है सेलिंग प्राइस का। सपोज सेलिंग प्राइस का मैट्रिक्स कैसा बन सकता है, से 3 पॉइंट, जिसको मैं मैट्रिक्स का नाम देता हूँ मैट्रिक्स पी, यस, से 3.50, फिर क्या आएगा 2.75, और फिर 1.50, ये हो गया आपका मैट्रिक्स पी। दूसरा मैट्रिक्स क्या बन सकता है, मैट्रिक्स एस बन सकता है, जहां पे क्या आएगा 6000 आ जाएगा, 9000 आ जाएगा, 13000 आ जाएगा, 12000, 6000 एंड 17000, समझ लो बात को, हाँ या ना? ठीक है, ऐसे दो मैट्रिक्स बना लिया आपने। अब आपको चेक क्या करना होता है, नाउ यू हैव टू चेक नंबर ऑफ कॉलम्स इन वन मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन अदर मैट्रिक्स, राइट। पहले इसमें कॉलम्स कितने हैं, तीन है, वहां पे पहले इसमें रोज कितने हैं, तीन है, दूसरे इसमें कॉलम्स कितने हैं, दूसरे इसमें कॉलम्स कितने हैं, तीन है, मतलब मुझे उल्टा करना पड़ेगा, मुझे क्या रहना पड़ेगा, रेवेन्यू की अगर मैं बात करता हूं तो अब रेवेन्यू से ये अब सेलिंग प्राइस होगा, वो सेल्स वॉल्यूम होगा, ये रेवेन्यू होगा, हमको रेवेन्यू निकालना है, तो मुझे उल्टी चीज करनी पड़ेगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला मैट्रिक्स मुझे पी नहीं लेना पड़ेगा, पहला मैट्रिक्स मुझे एस लेना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स, राइट। फर्स्ट फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स जो यहाँ पे एस है, इसको मुझे फर्स्ट मैट्रिक्स समझना पड़ेगा, यहाँ पे कितने कॉलम्स है, तीन है, यहाँ कितने रोज है, तीन है, क्या ये मैच हो रहा है, बिल्कुल हाँ। अगर P को S से मल्टीप्लाई करने जाओगे तो P इनटू S आप नहीं कर सकते, व्हाई? बिकॉज़ यहाँ पे कितने कॉलम्स है, एक है, और वहां पे कितने रोज है, दो है, तो आप ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। रूल के हिसाब से आपको सेकंड को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहे हो? कुछ स्टूडेंट्स ने ये डाउट पूछा था इसके पहले जब मैंने एग्जांपल दिखाया था, राइट। अब आप क्या करोगे, 6000, 9000, 13000, 12000, 6000 एंड 17000, राइट, इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3.50, 2.75, 1.50, राइट। इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, गया राइट। मल्टीप्लीकेशन को ट्राई करने को आपको टाइम दे रहा हूं, गो फॉर इट फास्ट।
बिकॉज तीन प्राइस है ना अलग अलग प्रोडक्ट्स की, तो एक के नीचे एक ही आएंगे ना प्राइसेस। बोलो। चलो अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई करूंगे, आर विल बी इक्वल टू 6000 इंटू 3.50, 9000 इंटू 2.75 प्लस 13000 इंटू 1.50, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, अभी 12000 इंटू 3.50 प्लस 6000 इंटू 2.75 एंड प्लस 17000 इंटू 1.50। चेक करो क्या ये आंसर 65250 एंड 84000 आ रहा है क्या। तो ये मार्केट वन का हो जाएगा, ये मार्केट टू का हो जाएगा। एक बार चेक कर लो कि आपका आंसर सही आया है क्या, गो फॉर इट फास्ट। जिनका ये हो गया नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं। अरे और बहुत एग्जांपल्स देखेंगे अपन, डोंट वरी। चीज क्लियर है, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट टाइटल देना ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। गिव द टाइटल ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ध्यान दो मैं क्या लिखवा रहा हूं, समझना पहले, लिखने का टाइम आपको मैं देने वाला हूं, ठीक है। यहां क्या हो रहा है, सपोज ए इज अ मैट्रिक्स विथ 1, 3, 7 -2, 0, 3, 6, 8 एंड 2। इसका जब मैं ट्रांसपोज निकालता हूं उसको मैं लिखता हूं 1 -2, 6, 3, 0, 8, 7, 3, 2। लाइव बैच वालों बताओ मुझे फटाफट मैंने क्या किया है, इसको यहां से मैंने ऐसे टर्न आउट किया है, व्हाट हैव आई डन एग्जैक्टली, आई वांट द आंसर्स फ्रॉम यू। बताओ फटाफट क्या करने की कोशिश की है मैंने यहां पे, व्हाट हैव आई ट्राइड टू डू। लाइव बैच वालों फटाफट आंसर दो। बोलो व्हाट हैव वी ट्राइड टू डू, क्या करने की कोशिश की है, रोज आर कन्वर्टेड इनटू रोज,
नहीं, रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स, राइट। अगर आपने ध्यान दिया होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पे 137 ये क्या बनता है, रो बनता है, और यहाँ पे 137 अगर मैं देखूं तो ये क्या बनता है, ये बन जाता है कॉलम। अगर यहाँ पे मैं देखूं तो ये बन जाता है कॉलम, मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज में जो रो था इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे हम लेके आए हैं कॉलम में, और यहाँ पे जो कॉलम था इसको हमने कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पे हम उसको बना के लेके आए अ रो, विच मीन्स सिंपली स्पीकिंग अरे ट्राइंगल कहाँ से आया यहाँ पे, कौन है, विश्वजीत नहीं, राकेश, उल्टा ट्राइंगल कर दिया, ट्राइंगल ट्राइंगल में जीते रहो सिर्फ तुम लोग। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, वॉट वी हैव टू डू इज वी हैव टू इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, वी हैव टू इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सिंपली स्पीकिंग ये चीज मुझे करनी है। और इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ ए ट्रांसपोज, यानी कि ए एपोस्ट्रोफी, और इसको हम बोलते हैं ए टी, इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ए एक है मैट्रिक्स, इसका हमने ले लिया ट्रांसपोज और उसका फिर से ट्रांसपोज ले लिया, क्या ये ओरिजिनल ए आ जाएगा, यस और नो, यस, मतलब ए है जिसके रोज और कॉलम्स है, राइट, इसका ट्रांसपोज ले लिया, मतलब इसका रो को कॉलम कर लिया, उसके कॉलम को रो कर लिया, और फिर उसका वापस से ट्रांसपोज ले लिया, मतलब उसी का जिसका रो का कॉलम क्या था उसी के कॉलम का वापस से रो कर रहे हैं, तो ये बैक टू स्क्वायर वन आ जाएगा, बैक टू ए आ जाएगा, यस, जी हाँ, बिल्कुल, ठीक है, चीज क्लियर है पूरी तरीके से। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो भी दिखाया मैंने, और उसकी प्रॉपर्टी भी मैंने बताई कि ए का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा एज अ रिजल्टेंट, ठीक है, छाप लो गो फॉर इट फास्ट। चीज क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है, चल आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते, कल यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, और काफी कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको मैट्रिक्स में पढ़ना है, काफी एग्जांपल्स हमको सॉल्व करने, और फिर बाय ऑब्वियसली हमको एक्सरसाइज भी कंप्लीट करना है इसका, ठीक है, चलो बाय बाय, ठीक है, मिलते हैं कल।